नमस्कार दोस्तों, राघव सर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर के फरवरी महीने में जो प्रमुख सूचनाएं हैं उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं एग्जाम की दृष्टि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा, ठीक है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, ये श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं वो हैं महिंद्रा राजपक्षे जी। आप जानते हैं महिंद्रा राजपक्षे ये श्रीलंका के पूर्व में राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वर्तमान में महिंद्रा राजपक्षे जी नवंबर 2019 में, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2019 में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और इसके बाद ये जो फरवरी में इन्होंने भारत में यात्रा की 17 से 11 फरवरी के मध्य, यह इनकी पहली विदेश यात्रा है, ठीक है? पहली विदेश यात्रा पर ये भारत आए। वर्तमान में श्रीलंका के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो श्रीलंका में वर्तमान में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जी हैं, ये इनके छोटे भाई हैं, ठीक है? इन्होंने भारत में भारतीय प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और इन्होंने मुख्यतः ईस्टर डे पर जो आतंकी हमला हुआ था उस पर चर्चा की, भारत और श्रीलंका के बीच पारस्परिक सहयोग को लेकर चर्चा की और कुछ संयुक्त आर्थिक परियोजनाएं हैं उसको लेकर भारत में इन्होंने चर्चा की। जहां तक भारत की बात है, भारत वर्तमान में अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भारत की विदेश नीति में शामिल है कि नेबरहुड फर्स्ट, अर्थात पहले जो पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जाएंगे, उनको वरीयता दी जाएगी। क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच अगर हम देखें, भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर चूंकि मन्नार की खाड़ी है, समझिएगा, समुद्र है, ये हिंद महासागर का जो भाग है, तो भारत जो अपने सागर डॉक्ट्रिन है उसके लिए जो सीमा, समुद्री सीमा भारत के पड़ोसी देशों से स्पर्श कर रही है, उनके साथ भारत वर्तमान में सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, ये यात्रा थी श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की भारत यात्रा। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है इस पे कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 80वें स्थान पहुंचा है, ठीक है? भारत का स्थान 80। देखिए यह जो रिपोर्ट आई है, वास्तव में यह रिपोर्ट जर्मनी की एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के रूप में जारी की जाती है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के रूप में, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा इस रिपोर्ट में देखा गया कि जो भारत की इसमें सूची में भारत का जो स्थान है वो वर्तमान में 2019 की जो रही रिपोर्ट, 2019 के आधार पर भारत का स्थान जो है 80वां स्थान दिया गया, 80, ठीक है, 80। हालांकि 2018 में भारत का स्थान इसी रिपोर्ट के तहत 78 था, अर्थात भारत का जो प्रदर्शन है कुछ इसमें उसमें गिरावट आई, नेगेटिव रहा, दो स्थान भारत नीचे खिसक गया। 2018 में जहां 78वां स्थान था, वहीं 2019 में 80वां स्थान, ठीक है? अगर हम बात करते हैं पड़ोसी देश चीन, तो पड़ोसी देश चीन भी इसमें 80 स्थान पर ही, 80वें स्थान पर पड़ोसी देश चीन भी है। अगर अन्य पड़ोसी देशों की बात करें हम, तो चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का इसमें स्थान 120वां है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान 120वें स्थान पर है। वहीं श्रीलंका का स्थान पाकिस्तान से बेहतर है, 93। बांग्लादेश देखिएगा, बांग्लादेश का स्थान 146, ठीक है, ठीक है। भूटान जो है, भूटान की स्थिति इसमें अच्छी है, भूटान जो है 25वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा ये जो भ्रष्टाचार सूचकांक है इसमें जिसका स्थान
नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, उनकी स्थिति खराब है। भ्रष्टाचार सूचकांक में कुल 80 सॉरी कुल 180 देशों को शामिल किया जाता है, इस बार किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर फिनलैंड। ठीक है, समझिएगा, फिनलैंड तीसरे स्थान पर। वहीं निचले स्थान पर सबसे सोमालिया, सोमालिया आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु है, ध्यान दीजिएगा मोगाडिशु। यह वर्तमान में तस्करी जैसी सामाजिक बुराई में लगा हुआ है, ठीक है, समझेगा, विश्व स्तर पर यह दुष्ट राष्ट्रों में शामिल है। वहीं 119वें स्थान पर 79वें 179th देखिएगा, तो इस पे जो है दक्षिणी सूडान का स्थान है। दक्षिणी सूडान 2011 में, हम जानते हैं कि 2011 में यह सूडान से अलग होकर बना था, ठीक है, सूडान जो है उससे अलग होकर दक्षिणी सूडान बना था। ध्यान दीजिएगा, जो दक्षिणी सूडान है इसकी राजधानी है जूबा, वहीं जो सूडान था इसकी राजधानी थी खारतूम, ठीक है। तो ये सूडान जो है, दक्षिणी सूडान, जिसकी उत्पत्ति देखा आप 2011 या जो गृहयुद्ध हुआ था सूडान में, उससे दक्षिणी सूडान की उत्पत्ति हुई, इसका स्थान 179। देखिएगा, जबकि सीरिया का स्थान 178वां है। सीरिया राजधानी दमिश्क है, यह भी वर्तमान में दुष्ट राष्ट्रों में शामिल है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो भारत का स्थान 80वां स्थान है इस समय। अगर हम भारत के साथ देखें, जो ग्रुप है भारत का, एक है ब्रिक्स, हम जानते हैं ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स में देखें तो ब्रिक्स में जो शामिल सदस्य हैं आप जानते हैं, ब्रिक्स ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, तो ब्राजील का स्थान इसमें 106 है, ठीक है। रूस का स्थान 137, समझिएगा, भ्रष्टाचार रूस में अधिक है। अगर ब्रिक्स देशों में देखें तो ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक भ्रष्टाचार देखा जाए तो रूस में। इंडिया का स्थान आपने देखा 80, चाइना का देखा आपने 80, वहीं साउथ अफ्रीका का 17वां स्थान है, 17वां स्थान, ध्यान दीजिएगा 17। अर्थात ब्रिक्स देशों में जहां साउथ अफ्रीका की स्थिति बहुत अच्छी है, वहीं रूस की स्थिति काफ़ी खराब, 137, ठीक है। तो हम जानते हैं ब्रिक्स विकासशील देशों का एक समूह है, ठीक है, इसकी प्रतिवर्ष बैठक भी होती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अगला कि मालदीव राष्ट्रमंडल का पुनः सदस्य बना, ध्यान दीजिएगा मालदीव राष्ट्रमंडल का पुनः सदस्य बना, राष्ट्रमंडल, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं जरा सा क्या सूचना थी। तो देखिए मालदीव जो है, हम जानते हैं भारत के पड़ोस में स्थित है मालदीव, देखा जाए तो हिंद महासागर में जो पश्चिम भारत के अरब सागर है, तो पश्चिम दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ पे मालदीव है। हम जानते हैं कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है, मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप का मिनिकॉय जो द्वीप है वो यहाँ पे स्थित है। तो मालदीव राजधानी इसकी माले है, माले, ठीक है। तो मालदीव 2016 में राष्ट्रमंडल से अलग हुआ था। कारण क्या था राष्ट्रमंडल से अलग होने का, अगर देखा जाए तो वास्तव में मालदीव में पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो लोकतांत्रिक सुधारों में प्रगति नहीं देखी गई, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक सुधारों में अभाव दिखा, मानवाधिकार रिकॉर्ड का अभाव दिखा, समझिएगा, मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड था उसका भी अभाव दिखा। लोकतांत्रिक सुधारों में जो प्रगति होती है वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस कारण से इससे राष्ट्रमंडल की सदस्यता छीन ली गई थी। इसने जो है 2016 में, 2016 ध्यान दीजिएगा, मालदीव 2016 में सदस्यता का त्याग करता है,
ठीक है। जब मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह जी बने, तो इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही मांग की कि हमको फिर से, अर्थात हमको मतलब मालदीव को पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल किया जाए, उसको सदस्य बनाया जाए। तो इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष फिर से मालदीव को राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया। ठीक है, अब जरा सा बात करते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। देखिए, वास्तव में राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटिश सत्ता के अधीन में थे। ठीक है, तो ऐसे देशों को राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल की वास्तव में स्थापना हुई थी 1931 में, 11 दिसंबर 1931 को। हालांकि इसका जो वर्तमान स्वरूप है, अगर देखें तो वह इंडिया और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद इसका वर्तमान स्वरूप अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई 11 दिसंबर 1931 को, इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। ठीक है, लंदन यूके वहाँ पर स्थित है। देखिए, मालदीव जब को जब निकाल दिया गया था, उस समय इसमें सदस्य देशों की संख्या 53 थी, लेकिन मालदीव के शामिल होने से अब कॉमनवेल्थ में सदस्य देशों की संख्या, अर्थात राष्ट्रमंडल में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 54 हो गई। राष्ट्रमंडल के जो महासचिव हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, इन्होंने ही इस प्रस्ताव को पास किया कि मालदीव को राष्ट्रमंडल की पुनः सदस्यता प्रदान की जाए। ठीक है, देखिए, जो राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की जो बैठक होती है उसे चोगम कहा जाता है, और जून 2020 में इसकी अगली बैठक होने वाली थी, लेकिन देखते हैं ये कोरोना के कारण अभी आयोजित हो पाती है कि नहीं। तो इसकी जो चोगम 2020 की जून में बैठक होने वाली थी, वो जो है किगाली में प्रस्तावित थी। ठीक है, वास्तव में जो लोक राष्ट्रमंडल है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र को बढ़ावा देना, साक्षरता को बढ़ाना, मानवाधिकार की रक्षा करना, लोग मानवाधिकार के लिए कार्य करना, बेहतर प्रशासन और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी 1931 में। तो मालदीव, जो प्रश्न आया यहाँ पे निकल के टॉपिक, मालदीव जो है 2016 में ये अलग हुआ था, और अब 2020 में इसको पुनः शामिल कर लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो टॉपिक देखते हैं है कि जो मलेशिया के पीएम हैं उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। मलेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। देखिए, जो महातिर मोहम्मद हैं वास्तव में ये 94 वर्ष ईयर के थे, और ये वर्तमान में विश्व के सबसे उम्रदराज पीएम हैं। ठीक है, सबसे उम्रदराज पीएम महाथिर मोहम्मद। अब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इनके त्यागपत्र देने से मुहिद्दीन यासीन को नया पीएम नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, मुहिद्दीन यासीन जी अब मलेशिया के नए पीएम नियुक्त किए गए। ठीक है, मलेशिया राजतंत्र है यहाँ पे, यहाँ के नरेश जो है अल सुल्तान अब्दुल्ला रैयतुद्दीन। ठीक है, मलेशिया की बात करें तो हम जानते हैं कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम है। ठीक है, ये पूर्वी एशिया में स्थित देश है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रवासी प्रजातियों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब हम उसकी बात करते हैं। कोप 13 के तहत इसका आयोजन किया गया, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, कोप 13, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 के
के तहत इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया और कुल 110 देश इसमें शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारत को अध्यक्ष बनाया गया। भारत अब अगले 3 वर्षों तक इसका अध्यक्ष बना रहेगा। ठीक है, समझिएगा, ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया, वास्तव में भारत इस सम्मेलन में या इस ग्रुप में शामिल हुआ था 1993 में। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी प्रवासी प्रजातियां दुनिया को जोड़ती हैं, हम उनका अपने यहाँ स्वागत करते हैं। बड़ा अच्छा थीम बनाया गया था। ठीक है, और जो गुजरात में आयोजन किया गया, इस सम्मेलन का प्रतीक था कोलम, दक्षिण भारत का जो त्यौहार उसके अनुसार कोलम इस सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। कोलम वहाँ के दक्षिण भारत के लिए, तो वही इस आयोजन का लोगो निर्धारित किया गया था, जबकि इसका शुभंकर था जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। ध्यान दीजिएगा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी है। तो देखिएगा, इस सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया वो था कि जो प्रजातियां थी उनके संरक्षण हित पहचान की जाएगी, जैसे डुगोंग, व्हेल शार्क, समुद्री कछुआ। ठीक है, इस तरह से कुल 7 प्रजातियां थीं जिनके संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया। हम जानते हैं कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% धारित करता है, 2.4% धारित करता है। वहीं यह जैव विविधता का कुल 8% का आवरण करता है। भारत में जो वन क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, भारत में जो वन क्षेत्र है अगर उसको देखें तो इसके कुल क्षेत्रफल का 21.67% है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी इस सम्मेलन में स्वीकार करते हैं। ठीक है, देखिए, इस सम्मेलन में गांधीनगर घोषणा पत्र भी जारी किया गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि जो परिशिष्ट वन में शामिल हैं जो प्रजातियां जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है उनके लिए संरक्षण की बात की जाएगी। ठीक है, समझिएगा, इन परिशिष्ट वन में जो विलुप्त होने कगार पर प्रजातियां हैं उनमें एशियाई हाथी, जगुआर, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित कुल 10 प्रजातियां हैं। वहीं परिशिष्ट टू भी शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत विलुप्त होने से थोड़ा सा जो दूसरे नंबर पे हैं उनको रखा गया, जिनको इस सम्मेलन में ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया। समझिएगा, इनमें इयान रेडमॉन्ड पर्यावरणविद हैं, वही रणदीप हुड्डा और सचा डेंस, ये जो है इन 3 लोगों को इसका ब्रांड अम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। ठीक है, ब्रांड अम्बेसडर। देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट की भारत यात्रा। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना थी, म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट की भारत यात्रा। देखिए, जो विन मिंट जी थे ये 26 से 29 फरवरी 2020 को भारत आए थे। इन्होंने भारत के साथ कुल दस समझौते हुए ये जो समझौते थे, वास्तव में इसमें रखाइन प्रांत, जो म्यांमार का प्रांत है रखाइन प्रांत, वहाँ पे स्कूल निर्माण, अस्पताल, दूरसंचार और पेट्रोलियम जैसे मुद्दे शामिल थे। ठीक है, इन विषयों पर भारत के साथ 10 समझौते किए गए। देखिएगा, इनके स्वागत संबंधी जो कार्यक्रम थे वो अक्षरधाम मंदिर में आयोजित किया गया दिल्ली में। इसके अलावा बोधगया और ताजमहल दर्शन भी इन्होंने किए। ठीक है, तो मेन ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है तो हमने इसमें जानबूझ के ये जो समझौतों की संख्या है इसको जानबूझ के फोकस किया। कई बार परीक्षा में समझौतों की संख्या को भी शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है कि पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेबिलो डी सौसा ये भारत की यात्रा पर आए। ध्यान दीजिएगा,
फिर से देखिएगा, इनका नाम है मार्सेलो रवेलो रेवेलो डी सोसा। ये पुर्तगाली राष्ट्रपति हैं, ये भारत की यात्रा पर आए। ठीक है, देखिएगा, इन्होंने 13 से 16 फरवरी के बीच भारत की यात्रा की 2020, और भारत के साथ कुल 14 समझौते संपन्न किए गए। ठीक है, 14 समझौते बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इन समझौतों में जो विषय थे, समुद्री विरासत, परिवहन, पोर्ट, प्रवास एवं गतिशीलता तथा योग विषय से संबंधित कुल 14 समझौते थे। इसके अलावा भी इन विषयों पर चर्चा की गई। देखिएगा, भारत की वास्तव में ये जो मार्सेलो जी हैं, मार्सेलो रेबेलो, ये इनकी पहली भारत यात्रा थी। हालांकि 2019 में एंटोनियो कोस्टा भी भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, अगला अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, वो भारत की यात्रा पर आए थे। समझेगा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत दौरा पर आए थे। हालांकि इनके खिलाफ एक और विषय था इसी फरवरी महीने में, कि महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, तो महाभियोग जो लगाया गया, हम जानते हैं कि जो महाभियोग भारत में जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वास्तव में वह यूएसए की ही देन है, यूएसए से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग क्यों लगाया गया और उस पर क्या हुआ। तो देखिएगा, पहला तो महाभियोग का इनको आरोप था कि इन्होंने पद का दुरुपयोग किया। ठीक है, दूसरा, इन्होंने संसद जो है वहां की, कांग्रेस जिसे कहा जाता है, कि कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर जो आरोप थे वो थे पद के दुरुपयोग, ध्यान दीजिएगा, पद का दुरुपयोग किया इन्होंने। इसके साथ साथ इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने जो संसद है वहां की, कांग्रेस, उसकी कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया। इन पे जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों से इन्हें बरी कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी 2020 को इन्हें बरी कर दिया गया। वहाँ की जो इस आरोप की जांच वहाँ के जो मुख्य न्यायालय थे यूएसए के, उसके जो प्रमुख थे जॉन रॉबर्ट्स जी, उन्होंने इसकी एक तरह से जांच की, सुनवाई की। और सीनेट के 100 सदस्य, जो सीनेट है वहाँ की वो 100 सदस्य है। इस 100 सदस्य सीनेट में ट्रंप के पक्ष में 52 मत दिए गए, जहां पे वहीं विपक्ष में 48 मत। ठीक है, इसके अलावा ये तो पद के दुरुपयोग की बात थी, पद के दुरुपयोग के पक्ष में, ठीक है, ये मतदान हुए थे। वहीं कांग्रेस की जो कार्रवाई बाधित करने का प्रस्ताव था, उस पर ट्रंप के पक्ष में 53 और विपक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। देखिए, अगर हम महाभियोग की बात करें, तो अमेरिका में जो महाभियोग है, इसके कुल 3 राष्ट्रपति पर लगाया गया। देखिएगा जरा सा, ये कौन कौन से हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से, इसमें एंड्रू जॉनसन 1864 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ठीक है, बिल क्लिंटन जी, इनके ऊपर भी महाभियोग लगाया गया था, जबकि रिचर्ड निक्सन, इनके ऊपर 1969-74 में लगाया गया था। ठीक है, हालांकि ये वाटरगेट स्कैंडल के तहत थे और कार्यवाही से पूर्व इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब जो है इसके इनके ऊपर देखिए, जो है ये जो महाभियोग था रिचर्ड निक्सन के ऊपर, वास्तव में पेश नहीं किया गया था, कार्रवाई शुरू होती उसके पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, बिल क्लिंटन के बारे में हम जानते हैं कि इन्हें इनके ऊपर मोनिका लेवेंसकी के यौन शोषण का आरोप था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भारत की यात्रा की बात, डोनाल्ड ट्रंप की भारत की यात्रा। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है 24 फरवरी और 25 फरवरी 2 दिन भारत में रहे। ये भारत के अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद में इनका स्वागत किया गया। अहमदाबाद का जो मोटेरा स्टेडियम है, आप जानते हैं, काफ़ी बड़ा स्टेडियम बनाया गया। वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे कहा गया नमस्ते ट्रंप।
नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया। ठीक है, इसके पहले हम जानते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे अमेरिका, तो वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हाउडी मोदी। ठीक है, तो हाउडी मोदी की मोदी की तरह भारत में भी नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया। ठीक है, नमस्ते ट्रंप, यह है गुजरात के मोटेरा में। ठीक है, हम बात करें इस यात्रा में ट्रंप के साथ उनका पूरा परिवार था, उनकी बेटी, पत्नी, दामाद, इसके अलावा भी उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य उसमें शामिल थे। ठीक है, इस भारत की यात्रा में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के साथ सॉरी नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जी ने कुल 3 समझौते किए। ठीक है, 3 समझौते संपन्न हुए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा ये 3 समझौते। देखिए, भारत की यात्रा पर आने वाले जो अन्य राष्ट्रपति थे वो देखिए, कुल भारत में अब तक 7 राष्ट्रपति आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप सहित कुल 7 राष्ट्रपति भारत में आ चुके हैं। सबसे पहले आने वाले थे वो थे डी आइजन हावर। ठीक है, आइजन हावर जो है ये 1959 में भारत आए, जबकि रिचर्ड निक्सन जी 1969 में इंदिरा गांधी के समय, जिमी कार्टन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में, बिल क्लिंटन जी आए थे सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वही जॉर्ज डब्ल्यू बी बुश आए 2006 मनमोहन जी की सरकार में, बराक ओबामा जी 2 बार भारत आए थे 2010 और 2015 में, क्योंकि इन्होंने 2 कार्यकाल भी पूरा किया था अपने राष्ट्रपति पद का। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा जो है 2020 में हुई। ठीक है, हम जानते हैं कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं ये इनका जो है कार्यकाल अगर हम देखें तो ये जो है लगातार 2 कार्यकाल पूरे कर सकते हैं, ये 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये थी राष्ट्रीय स्तर की सूचनाएं 2000 फरवरी 2020 की। ठीक है, ओके, थैंक यू।